अरे यार कोई कुछ भी कहो, शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। हाँ वो छोड़ो, ये बताओ दुल्हन शादी में लेके क्या आई है? चाय दो ना भैया को, चाय दो। आप भी कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, 15 लाख का पैकेज है अपने भाई का। अब आप ही थी खाली, आप थोड़ी आई होंगे। बिल्कुल सही। मैंने तो सुना है लड़की सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में आई है। मैं तो 20 तोले सोना लेके आई थी और गाड़ी अलग से। गाड़ी तो मेरे भाई को भी मिली होगी। हाँ बिल्कुल। ऐसे हमारे बोलने से क्या ही होता है, अब जिसके माँ बाप की जितनी औकात वो उतना ही तो लेके आएगी। बात तो सही है। रुको सिमरन, आप सब लोगों को यही जानना है ना कि मुझे दहेज में क्या मिला है, या मेरी वाइफ क्या लेकर आई है। तो आप सबको मैं बता दूं, आज मुझसे अमीर ना दुनिया में और कोई नहीं है। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि आज एक बाप ने अपनी बेटी मुझे दी है, एक भाई ने अपनी बहन मुझे सौंप दी, एक बहन ने अपनी परछाई मुझे दे दी, और एक माँ जिसके लिए अपनी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता, उस माँ ने अपनी गुड़िया मुझे सौंप दी, जिसको बचपन से पाल पोस के उसने बड़ा किया था। क्या आपको लगता है इससे कीमती चीज कुछ और मुझे मिल सकती है? नहीं ना। दरअसल गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हमारी सोसाइटी की है। क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटी की शादी की है तो दहेज तो देना पड़ेगा, और वो भी अच्छा खासा देना पड़ेगा। लेकिन कभी हमने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों क्यों देना पड़ेगा? क्या आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से पीछे है किसी मामले में? क्या बोल रहे थे भाई साहब आप, 15 लाख का पैकेज है मेरा, राइट? तो मेरी वाइफ क्या कम कमाती है मुझसे? आप लोगों को पता है हमारी इसी सोच की वजह से ना इंडिया में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, क्योंकि उनके माँ बाप को लगता है कि बेटी बड़ी होगी उसकी शादी करनी पड़ेगी और उसके दहेज में खर्चा करना पड़ेगा, इस वजह से उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है। दरअसल देखा जाए तो हम लोगों को लड़की वालों का एहसानमंद होना चाहिए। जिस लड़की को मैं शादी करके लेके अपने घर पे आया हूँ, उसको उन्होंने बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, तो हुए ना हम लोग लड़की वालों के देनदार। फिर आखिर क्यों हमारा समाज घूम फिर के इस दहेज के ऊपर अटक जाता है? लड़की वाले अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी को भी हमको सौंपे और दहेज भी दें। आप सब लोग मेरे घर पे आए, बहुत अच्छा लगा। खाना खाकर जाइएगा।